फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर ममता चैनल। दोस्तों, आज रेन लिली के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये इसमें ये स्नेल लग रहे हैं, आप देख सकते हैं, मेरी उंगली पे भी चल रहा है। इसमें काफ़ी सारे लग गए हैं, तो इसको हैंड पिकिंग से आप निकाल सकते हैं, हाथों से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी लगा हुआ है, और आप इसमें जब नमक डाल देंगे तो उससे भी ये ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, रेन लिली का रख रखाव में ध्यान रखने में, केयर करने में, दोस्तों इस बात का ध्यान रखेंगे कि बरसात के समय में आसानी से इसमें बहुत खूबसूरत फूल आते हैं, और जब ये पूरा गमला भर जाए उस केस में इसको क्या करना है कि रिपॉट करना है, अलग करना है, डिवाइड करके लगा सकते हैं आप। अदरवाइज क्या है कि आराम से इसको रहने दीजिए, इसको डिस्टर्ब मत करिए। फ्लावर्स आप देख सकते हैं, फ्लावर्स अब रिमूव करने का टाइम आ गया, क्योंकि ये ख़राब हो रहे हैं। इसी में आप सीड्स भी आते हैं, सीड्स से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया जब ये प्लांट का है, बल्ब होता है, बल्ब में अच्छी तरह से ये ग्रो हो जाता है दोस्तों, तो सबसे आसानी से आप उसको लगा सकते हैं। और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जितने भी बल्बस प्लांट्स होते हैं उनमें फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है फ्लावरिंग के समय। फ्लावरिंग के समय अगर फॉस्फोरस आप उसमें डालेंगे तो फ्लावर्स ब्लूम्स अच्छी तरह से आएंगे। रेन लिली को ज़ेफायरैंथस भी कहते हैं, फेयरी लिली भी बोलते हैं। ये फैमिली एमायरिडेसियाई को बिलोंग करता है दोस्तों। फ्लावरिंग जो है वो रेनी सीजन में फर्स्ट जो शावर आते हैं उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, और इसको ग्रो करना बहुत ही आसान है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप बल्ब से के सहायता से आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं, पॉट्स में, सॉयल में, और हैंगिंग बास्केट भी बना सकते हैं आप इसका। रेन लिली को डिफरेंट कलर्स में आप अगर जाएंगे शॉप में और नर्सरी में तो आप पाएंगे ये येलो कलर, पिंक कलर और वाइट क्रोकस लाइक फ्लावर्स होते हैं इसके। फ्लावर्स जो हैं दोस्तों, ये ब्लूम करते हैं लेट स्प्रिंग एंड थ्रू आउट द लेट समर, समटाइम्स अर्लियर ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन के स्टार्टिंग में ये ब्लूम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों देख रहे हैं आप, ये सूख रहा है और इसमें फिर से फ्लावर्स आएंगे। दोस्तों काफ़ी बारिश हुई है यहाँ, तो मैं ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में और डिस्कस करूँगी, इसको लगा के भी आपको दिखाऊँगी दूसरे वीडियो में। इसके फ्लावर्स जो हैं, मल्टीपल फ्लावर्स आते हैं, ब्लूम ऑन ईच स्टेम, हर स्टेम में डिफरेंट फ्लावर्स आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे फ्लावर्स आते हैं। इसके सॉयल का ध्यान रखना है दोस्तों कि ये सॉयल वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, बहुत हार्डी प्लांट है, ज़्यादा इसको केयर की ज़रूरत नहीं होती। रेन लिली के बल्ब्स जो हैं उसको रिमूव तब तक नहीं करें, जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि आप तब तक रिपोर्ट नहीं करें, उसको मूव नहीं करें जब तक कि बेड ओवर क्राउडेड हो नहीं हो जाए। ये जैसे देखिए दोस्तों, ये पूरा भर चुका है, बट इसमें क्या होगा कि फ्लावर्स जब आएंगे ना, इट विल लुक वेरी गुड, बहुत खूबसूरत लगता है उस समय। और इसको आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं शेड में, शेडी एरियाज में रखें। इसको ऐसे एरियाज में रखिए जहाँ पे आफ्टरनून शेड मिल पाए दोस्तों, और स्पेशली एरिया हॉट हो, गर्मी इसको चाहिए, उसमें अच्छे से ब्लूम करेगा, ग्रो करेगा। दोस्तों आप इसमें कभी कभी फंगस का अटैक हो जाता है, जिसको आप नीम केक से कंट्रोल कर सकते हैं। रेन वाटर ये बहुत पसंद करता है, इसीलिए इसका नाम रेन लिली भी है दोस्तों। प्रोपोगेशन जैसे मैंने आपको बताया, बल्ब से कर सकते हैं, डिवाइड करके कर सकते हैं, और सीड्स के थ्रू कर सकते हैं। मैच्योर करने के बाद जो है फ्लावर्स, ये फ्लावर्स जो है मैच्योर करने के बाद सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फर्दर ग्रो करने के लिए। रेगुलर वाटरिंग रिक्वायर्ड है अगर आपको लश ग्रीन कलर चाहिए फोलियज का दोस्तों। स्लाइटली एसिडिक सॉइल जो है इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। फ्लावर्स जो है उसको रिमूव कर देंगे केयर करने में, जब ये फ्लावर्स अच्छी तरह से डेवलप होके और ख़त्म होने के स्टेज में आ जाए, तो इसको मैं रिमूव कर दूंगी अभी। इसके बाद फर्टिलाइज़र का जहाँ तक सवाल है, फॉस्फोरस का फर्टिलाइज़र SSP 1 से 1.5 स्पून तक डाल सकते हैं। नीम केक को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आप इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों कि रूट्स जो है इसके सुपरफिशियल होते हैं, ऊपर ऊपर में ही रहते हैं, बहुत गहरा नहीं जाते, बहुत डीप नहीं जाते हैं सॉइल में, या फिर पॉट में या हैंगिंग पॉट में, आप जहाँ पे भी लगा रहे हैं दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों, सॉइल में आप क्या करेंगे कि 40% गार्डन सॉइल, 40% सैंड और 20% कंपोस्ट के साथ, काउडंग हो,
उसके साथ आप आसानी से इसको लगा सकते हैं, बहुत ही आसान है ग्रो करने के लिए, बहुत खूबसूरत लगता है दोस्तों। तो इसी के साथ चलती हूँ दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलती हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एग्रीकल्चर ममता को। एग्रीकल्चर ममता साइनिंग ऑफ फ्रेंड्स।